हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हमारी जो गैलरी होती है, गैलरी के नीचे जो पर्दी आती है, पर्दी किस तरह से बेंड की जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हो, पर्दी जो है स्लैब के अंदर 5.5 इंच बेंड किए वाली है। आज हम यही देखने वाले हैं डिटेल कि पर्दी किस तरह से बेंड की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो स्लैब में रेलिंग प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले जो है रेलिंग नीचे स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट होने के बाद जो हमको जितना अंदर चाहिए उतना बेंड कर लेना है, कुछ इस तरह से डाक का यूज करके बेंड करना है। ये पूरा पर्दे बेंड होने के बाद इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल बार होते हैं उससे वो पैक कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से पैक किए वाला है। हमारी पर्दे यहाँ पे जो है, जो स्लैब है, स्लैब से अंदर 5.5 इंच ले वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल। आप यहाँ पे रीबारिंग भी कर सकते हो, बट कुछ जगह पे जो होता है रीबारिंग प्रोसीजर अवेलेबल होता नहीं है, रीबारिंग का मटेरियल उनके पास नहीं होता है, इसलिए जो है इस तरह से स्लैब में जो रेलिंग प्रोवाइड करते हैं रेलिंग को बेंड करना पड़ता है। ये बेंड इस तरह से होने के बाद आप देख सकते हो पर फिट पे रेलिंग प्रोवाइड की वाली है। जो यहाँ पे बार होता है 8 mm का बार यूज किया वाला है, और ये जो हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पे यूज किया वाला है ये 6 mm का बार है। ये होने के बाद कुछ इस तरह से फिटिंग होने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो बेंड किया वाला बार है, ये दोनों बार, एक बार के बाजू में दोनों साइड में यहाँ पे एक होल करना है, वहाँ पे एक होल करना है ड्रिल का यूज करके। तो होल में क्या है, अपना जो नेल होता है, नेल डालने के बाद नेल डालना है और उसे अपना जो बाइंडिंग वायर होता है, बाइंडिंग वायर से स्लैब में फिट करना है। जितने भी यहाँ पे जो बेंड किए वाले रॉड है सभी रॉड को कुछ इस तरह से फिट करना है। अभी हम देखेंगे कि वो ड्रिलिंग किस तरह से की जाती है और बार जो है किस तरह से फिट किया जाता है। बहुत देखिए,
तीनच पाले आले पाले कुछ इस तरह से फिटिंग की जाती है। अब इस पर्दे के ऊपर कितना भी लोड आने दो, पर्दी हिलने की चांसेस होते नहीं है। अब नहीं तो क्या होता है कि इस तरह से हम अगर टाइट करते नहीं है तो कुछ समय के बाद अंदर से पर्दी को क्रैक आने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इस तरह से फिटिंग की जाती है। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आओ तुझे आओ तुम।